आजकल मार्केट में कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्टर के रिस्क सहने की क्षमता और उनके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से कुछ इन्वेस्टर्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं और कुछ लो रिस्क और स्टेडी इनकम हाई इज सुमन दास मेरे चैनल नेविगेट में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस एम स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चलिए शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस एम स्कीम एक गवर्नमेंट बैकअप स्कीम है जिससे इन्वेस्टर्स को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलता है ये स्कीम उन लोगों के लिए आइडल माना जाता है जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक स्टडी इनकम चाहते हैं तो सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो पोस्ट ऑफिस एम स्कीम एक गवर्नमेंट बैकअप स्कीम है जिस पे कुछ पैसा डिपॉजिट करके व्यक्ति हर महीने इंटरेस्ट इनकम पा सकता है इस स्कीम का फिलहाल इंटरेस्ट रेट है सेवन पॉइंट फोर परसेंट अब इसके विशेषताओं को एक एक करके अच्छे से समझते हैं इसपे मिनिमम वन थाउजेंड रुपीज से अकाउंट ओपन किया जा सकता है और मैक्सिमम अमाउंट है नाइन लाख रुपीज़ एक सिंगल अकाउंट पे और फिफ्टीन लाख ज्वाइंट अकाउंट पे इस इंटरेस्ट का पैसा हर महीने मेचोरिटी तक अकाउंट पे महीने के एंड पे आ जाता है फॉर एक्साम्पल अगर मैं पंद्रह लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ तो सेवन पॉइंट फोर के हिसाब से हो रहा है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पर मंथ ये इंटरेस्ट हर महीने हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है और इसे हम कभी भी अपने सेविंग अकाउंट से विद्रॉ कर सकते हैं इस स्कीम पे मेचोरिटी पीरियड पाँच साल होता है और पाँच साल कंप्लीट हो जाने पर अकाउंट को क्लोज या फिर रेन्यू किया जा सकता है बस उसके लिए एक प्रोस्क्राइब एप्लीकेशन जो पोस्ट ऑफिस पे अवेलेबल होते हैं उसे फिलअप करके सबमिट करना होगा अब आते हैं अकाउंट अकाउंट क्लोजर पे account को क्लोज साल बाद किया जा सकता है डिपॉजिट डेट से एक साल के बीच डिपॉजिट अमाउंट को विद्रॉ नहीं किया जा सकता है अगर अकाउंट एक साल बाद और तीन साल पहले क्लोज किया जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट का टू परसेंट डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट पे कर दिया जाता है

उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और उसे फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करना होगा पोस्ट ऑफिस पे डॉक्यूमेंट्स पे आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो लगता है और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को फिलअप करके पोस्ट ऑफिस पे सबमिट करने पर एम अकाउंट ओपन हो जाएगा अब आते हैं टैक्सेशन पे इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच